गोरखपुर महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पैदलीगंज चौराहे से आने वाले वाहन नौकायन होते हुए हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास से दो पहिया, चार पहिया, तीन पहिया का मार्ग परिवर्तित रहेगा। इसी प्रकार हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास जाने वाले वाहन नौकायन होते हुए पैदलीगंज दोपहिया, चार पहिया, तीन पहिया का मार्ग परिवर्तित है, वह सभी अमर उजाला तिराहा होकर जाएंगे। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वाटर पार्क एवं चिड़ियाघर, रॉयल मैरिज गार्डन, वाटर पार्क, चंपा देवी पार्क आदि में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में 11, 12 और 13 यानी कि कल से लेकर 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव को देखने के लिए, इसमें प्रतिभाग करने के लिए दर्शक और गणमान्य व्यक्ति काफ़ी संख्या में आएंगे। इसको देखते हुए कल दिनांक 12 बजे से 13 तक यानी कि सुबह को 12 बजे से लेकर प्रतिदिन शाम को कार्यक्रम समाप्ति तक जो कि 11 या 12 बजे तक होगा, समापन तक पैदलीगंज की तरफ से नौकायन की तरफ जाने वाला आम यातायात प्रतिबंधित रहेगा। केवल महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले और देखने वाले लोग ही रहेंगे। इसी प्रकार नौकायन की तरफ जो ट्रांसफार्मर तिराहा है, ट्रांसफार्मर तिराहा से पैदलीगंज की तरफ भी रामगढ़ ताल रोड पे आम यातायात प्रतिबंधित रहेगा। केवल देखने वाले दर्शक लोग जाएंगे और ऑटो और ई रिक्शा का इस रोड पर संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित है। इस दौरान वहां पर जो भाग लेने के लिए लोग आएंगे उनके सबके पार्किंग की व्यवस्था, वीआईपी पार्किंग की व्यवस्था चंपा देवी पार्क के ठीक सामने जो वाटर पार्क है उसके मुख्य द्वार के अंदर की गई है, दाएं और बाएं, और शेष फोर व्हीलर्स की पार्किंग वाटर पार्क का ही मैरिज हॉल है रॉयल मैरिज गार्डन, इसमें फोर व्हीलर की पार्किंग की गई है, और टू व्हीलर की पार्किंग वाटर पार्क की कैंटीन के सामने खाली पड़ा मैदान है जो बिल्कुल नौकायन रोड से अटैच होता है, वहां पर इनके पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो लोग इसमें प्रतिभाग करने के लिए आएंगे वो चंपा देवी पार्क पर टर्न न लेके चंपा देवी पार्क से 100 मीटर और आगे जाएंगे, उसके बाद ई टर्न लेकर आएंगे और अपने बाएं पार्किंग में अपने वाहन के लिए खड़ा करेंगे। आने वालों को कोई असुविधा ना हो उनकी सहूलियत के लिए ये पार्किंग प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्लान जारी किया गया है। सभी से सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद।